हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो में। तो आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ नदी के किनारे से। आप आई होप मैंने वैसे माइक तो लगाया है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नदी पब्बर के किनारे हैं हम लोग, तो फिर क्या पता शोर आ रहा हो। अभी एक्चुअली हम लोग जैसे शूट के लिए जा रहे हैं, तो हमारे साथ अभी जो हमारे DOP सर हैं वो है राजेश सर हैं और ठाकुर सर हैं, मेरे को इनका पूरा नाम नहीं पता है और सतीश वगैरह वो लोग आ रहे हैं पीछे से, हेमंत सर है और बाकी लोग भी आ रहे हैं, हिमांशु वगैरह आ रहे हैं। तो हम लोग इनका वेट कर रहे हैं क्योंकि हम ब्रेकफास्ट घर से लेके आए हैं, तो सब लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पे। आप तो डरा रहे हैं सर, चटनी अचार सब कुछ है और चटनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये ऊन और टाकली लेके जा रही थी आगे, ताकि मतलब शूट हो सके हमारा, और साथ ही साथ मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि हमें एक दो लोग और मिल जाते, बट क्योंकि एक अंकल थे उनको थोड़ी सी चोट लगी थी इसलिए उन्होंने मना कर दी। यहाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गाँव कितना सुंदर है। यहाँ ये कुठार आप देख रहे हैं जो आपने पिछली वीडियो में देखा, उसके बाद मैंने फटाफट से सामान लिया और मैं फटाफट से गई ताकि जल्दी से हमारा शूट शुरू हो सके। वेरी गुड, क्या एक्टिंग कर रही हो। यहाँ हमारा शूट अभी चला हुआ है, पीछे शूट हो रहा है, हम लोग तब तक यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं इस पुराने घर में। तो यहाँ पे ना खास बात ये होती है पुराने घरों की, एक गर्माहट होती है यहाँ पे, एक वार्मथ होती है, एक इमोशनल वार्मथ भी होती है और एक्चुअल में एक टेम्परेचर वाली वार्मथ तो होती होती है। गलती लगा दिया मैंने, ये तो होगा सीरम, क्या है, मैं सीरम ही लगाती हूँ, फाउंडेशन तो बंद हो चुका है जी मेरा, लगना मेरे से लगाया सब सही है ना, ऐसे ब्लेंड हो जाता है क्रीम की तरह वाला हो गया। बता भी दो काय काय मामा अर्थ। अच्छा किसी को इसकी डिटेल्स भी चाहिए होगी तो मुझे बता देना, लिंक दे दूंगी अगर चाहिए होगा तो। अगर उसके बाद में नौकरी लग गई तब नौकरी बाद पहले नहीं हुई नौकरी, यहाँ उसका कोई पेपर निकल गया अच्छी सरकारी नौकरी तब तब तो ठीक है, तब क्या जब अगर पेपर निकलेगा तो नौकरी मिल जाए तो किसी को तो अच्छी बात जो है। करूंगी कि बालों से रबड़ निकाला मैंने। ओ कोई है यहाँ पर, ये है पीछे रुडू आई ना, जवाब मेरे के लिए तब आना मेरे घर, रुडू में रहते हैं हम। नमस्ते बा, है ना सर, अरे आपको बाय। अरे वो एक रखी इसमें हमने ऐसा थका दिया ना यार, फालतू छोड़ा है अभी तो, कैसे देख रहा है कैसे आया। डरा हुआ है ये, अबे जाना इसने,
हे भगवान। ये बेचारा क्या कर रहा उधर? हो गया ना मन पूरा कुत्ते के साथ खेलने कुत्ते के साथ खेल दांत मारेगा ऊपर से देख रहा है टारगेट सुनो ये डब्बे खींच लो बाहर से। तो बेसिकली ये एक बिहाइंड द सीन वीडियो है। हम लोग जिस गांव में शूट करने गए थे वहां के कुछ लोगों से बात करने की मैं कोशिश कर रही थी। तो शूट हमारा कंप्लीट हो चुका है, गाना आ भी चुका है। अगर आपको देखना है तो गाने का लिंक मैं यहां पर दे दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपने हमारी बहुत मदद की, इधर आओ मुंडी तो दिखा सकते, खोपड़ी दिखाओ, मुंह दिखाओ अपना यहां से। तो एक्चुअली इन्होंने पुराने कपड़े पहने हुए हैं, वो दूसरे वाले इन्होंने चेंज कर लिए जो शूट में इन्होंने यूज किया था। तो इनके घर पे हमने शूट किया और भी इन्होंने बहुत सारी चीजों में हमारी हेल्प की। और हेमंत भाई वो तो हमेशा ही हमारी बहुत मदद करते हैं। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ऊपर एक और शॉट होना है। और अच्छी बात क्या है, क्या इनकी रिश्तेदारी निकल गई? हाँ, एक और चीज, इनके खुद इनके जो बेटे हैं वो भी पुलिस में ही है। तो ऐसा हो गया, रिलेटिबिलिटी आ गई है सारे। ठीक है, फिर रिश्तेदारी अलग आ गई है ना। ठीक है, चलो ठीक है फिर। आना रोड आना कभी, आना रोड आप ना हमारे घर। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। पर देखो परे, तो देखो शूट से तो हम आ गए वापस, कंप्लीट हो गया था शूट। पूरी जो टीम है वो निकल गई है शिमला के लिए। और हम लोगों को भूख लगी थी, हमने उनको भी बोला कि आपको भूख लगी थी कुछ खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हम रास्ते में ही खाएंगे। तो फिर हमने सोचा कि हम तो कुछ खा ही लेते, बिकॉज वी वर हंग्री। तो हम हंगर्स जा रहे, रोड में हंगर्स खुल गया ना, इसलिए हम लोग वहाँ को ट्राई करने भी जा रहे हैं। देखते हैं अब कैसा रहता है, बताएंगे फिर आपको। हंगर्स हम जा रहे हैं, लेट्स सी। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर, तो जो चीज़ें मैंने ट्राई की उनको मैं देना चाहूँगी 7 नंबर। ठीक ही था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा। और इसी के साथ व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा उसकी रेटिंग आपको कमेंट सेक्शन में करनी होगी।